हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है जो अनाउंस करी थी बिना शक्कर की चाय फिल्म बनाने का, उसका पूरा बजट के साथ साथ कुछ और भी अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है उसमें क्या अपडेट निकल के सामने आए हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में Q4 का रिजल्ट अपना पेश करते हुए दिखाई दी है, जिसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा रिजल्ट निकाल के दिया है। हालांकि इसके रिजल्ट के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दूं तो धमाकेदार रिजल्ट ये कंपनी पेश करते हुए दिखाई दी है, जिसके बाद आज भी इसमें एक तरीके से कहा जाए तो अपर सर्किट के लगता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक जो न्यूज निकल के सामने आई है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब से Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है तब से इसमें लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें चार चांद तब लग गया जब इस कंपनी ने बिना शक्कर की जो चाय फिल्म है उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल के दे दिया, और उसमें ये बताया कि अभी कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है और इसका बजट क्या है, और इसके अलावा जो और कुछ अपडेट दिए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दिए, जिसके बाद इस कंपनी में और तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी में 4% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसका चार पैटर्न देख रहे हैं कि इसमें बीच बीच में आप देखिए कि इसमें गिरावट भी आई है, अच्छी खासी माल सेलिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें 5-4% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और 12% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 22% का रिटर्न निकाल के दी है, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 17 से 18% का, ईयर टू डेट की बात करें तो 21% से 22% का, जबकि 1 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में अभी भी ये लाल इसका चार्ट दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी अभी भी थोड़ा रिस्की होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बिजनेस कौन कौन से हैं और इसके बारे में पूरा अपडेट हमने फोर के रिजल्ट के बारे में बताया है, उसमें पूरा विधिवत जानकारी दी है कि इसी कौन से सेगमेंट में इस समय काम करते हुए दिखाई दे रही है और किस में प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इन स्क्रीन में जाके वहाँ से इसका जो Q4 का रिजल्ट संबंध वीडियो है उसको पूरी डिटेल जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें अगर पहले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 17 अप्रैल को आती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उन्होंने अपना रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र जो एजेंट है उनका चुनाव ये कर लिए हैं, और उसके बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी है टीमो प्रोडक्शन का, उसमें रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में जो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब वहीं अगर हम बात करें दूसरे न्यूज की, तो ये जो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है वो 16 अप्रैल को आती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें ये मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो TPHQ एंड जो प्रोड्यूसर हैं मोहन नदार साहब, जो कि TPHQ के फाउंडर हैं, वो फिलहाल बिना शक्कर की चाय को कंप्लीट करने के बारे में पूरा डिटेल से बताया और बताया कि जो फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ये जानकारियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है TPHQ वो फिलहाल कहाँ तक और कितने में इस प्रोजेक्ट को लेते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल अभी फिलहाल ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा इसका जो टोटल कास्ट ये बता रहे हैं 40 मिलियन अर्थात 4 करोड़ के आसपास इसका टोटल कास्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 55 से 60 मिलियन अर्थात 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक ये कंपनी रिवेन्यू प्राप्त कर सकती है, और ये रिवेन्यू प्राप्त करेगी तो उसका फायदा जो है TPHQ को भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो मोहन नदार साहब हैं उन्होंने भी इसमें अपना प्रोड्यूसर का काम किया है और इस कंपनी के माध्यम से वो प्रोड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें कि एक प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा,
तो 5 मई को 2024 में यह कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और 31 मई 2024 को यह फिलहाल ये वेरियस प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मई का जो महीना रहने वाला है वो TPHQ जो कंपनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो बिना शक्कर की जो चाय है, एक तरीके से कहा जाए जब इस कंपनी का ट्रांसफार्म हुआ है और ये GI इंजीनियरिंग से TPHQ कंपनी में के रूप में ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रही है, उसके बाद से ये इसका एक तरीके से पहली ऐसी फिल्म है जो ये कंपनी के माध्यम से रिलीज होते हुए दिखाई दे सकती है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये जो कंपनी के माध्यम से ये फिल्म जो रिलीज होगी उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अगर ये फिल्म अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे दी तो न केवल इस कंपनी में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, बल्कि इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहीं अगर हम बात करें थोड़ा TPHQ के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो TPHQ लिमिटेड कंपनी है पहले GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और अब ये जो कंपनी है GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के बजाय TPHQ के नाम से जानी जा रही है। और ये वर्तमान में फिल्म प्रोड्यूशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अदर जो बिजनेस होते हैं उसमें भी ये लगते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो प्रोडक्शन एनिमेशन के साथ साथ ग्राफिक्स और CGI मूवी भी बनाते हुए नज़र आती है। इसके अलावा AI पावर्ड फीचर फिल्म भी प्रदान करती है और OTT फिल्म के साथ साथ जो सीन फिल्म्स हैं और टाकीज फिल्म्स हैं इन सब का निर्माण करते हुए दिखाई देती है। टेली फिल्म्स और एडवर्टाइजिंग के साथ साथ ये जो कंपनी है वो डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन के साथ साथ TV सीरियल भी बनाते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा जो म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम करती है, कंपोजिशन का भी, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसके पास एक स्टूडियो भी होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग का भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और न केवल ये इंडिया में काम करते हुए दिखाई देती है बल्कि अब्रॉड भी, यानी विदेशों में भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो इसका जो फ्यूचर है वो बॉलीवुड से लगा हुआ है और बॉलीवुड जितना ग्रोथ करता जाएगा इस कंपनी को भी अच्छा खासा प्रोग्रेस मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रही है उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर ये कंपनी ने सही से आग करते हुए दिखाई दे दी तो न केवल इसमें अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है बल्कि ये अपने निवेशकों को भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ सकती है। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है BSE के साथ साथ NSE पे भी लिस्ट होते हुए दिखाई देती है। हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आज 18 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें टोटल 67 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अभी हम आपको बताए थे कि जो निफ्टी है लगभग 150 पॉइंट की गिरावट उसमें देखी गई है और वैश्विक मार्केट में भी निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, लेकिन इस कंपनी में 4% का अपर सर्किट लगा हुआ है और जिसमें इसका जो मेन कारण निकल के सामने आ है वो 67 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाया जाना, अर्थात इस पे इन्वेस्टरों का जो भरोसा है वो लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मात्र और मात्र एक ही कारण है कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है बहुत ही जबरदस्त निकल के आया है और अब बिना शक्कर की चाय के बारे में पूरी डिटेल निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में नजर बना के रखिए और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स हैं आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।